छह जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण माह की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है, तो वहीं समापन के दिन यानी कि 3 अगस्त को भी सोमवार पड़ रहा है, जो कि धार्मिक नजरिए से एक अद्भुत संयोग है। और यह अद्भुत संयोग लगभग 23 वर्षों बाद बन रहा है। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा करने से सभी के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, ये कहना है इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक का। देखिए ये रिपोर्ट। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन इस बार श्रावण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक का। श्रावण का मास इस वर्ष अनेक दुर्लभ संयोग लेकर उपस्थित हो रहा है। संयोग है कि श्रावण का श्री गणेश सोमवार से होगा और श्रावण का समापन भी सोमवार से होगा। सोमवार को श्रावण जो है प्रारंभ होगा, वहीं 3 अगस्त रक्षाबंधन पूर्णिमा को भी सोमवार है। इस प्रकार यह पूरा सावन भगवान शिव को समर्पित होगा। महेशान्ना परो देवो, महेश अर्थात शिव से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं है। महिमनो ना परास्तुति ही, और भगवान शिव की स्तुति के लिए महिमन स्तोत्र से बढ़कर दुनिया में कोई स्तोत्र नहीं है। अघोरान्ना परो मंत्रो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस अघोर मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। इस वर्ष श्रावण जो है भोले की भक्ति का 29 दिनों का होगा। कृष्ण पक्ष में पूरे जो है 15 दिन है, वहीं शुक्ल पक्ष के अंदर सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों एक ही दिन होगी। श्रावण में 11 सर्वार्थ सिद्धि योग है, वहीं अमृत सिद्धि योग भी है और रवि योग भी है। इस प्रकार श्रावण सिद्ध योगों के साथ जो है उपस्थित हो रहा है। श्रावण के अंदर 5 सोमवार इस वर्ष उपस्थित हो रहे हैं। 5 श्रावण सोमवार लेकर सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग के साथ यह श्रावण भोले की भक्ति का कुछ विशेष ही है इस वर्ष। इस वर्ष दोनों पक्षों में यानी शुक्ल कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष का योग भी जो है उपस्थित हो रहा है। 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या का महासंयोग प्राप्त हो रहा है। 23 जुलाई को हरियाली तीज है, वहीं 25 जुलाई को नाग पंचमी जो है उपस्थित हो रही है। 27 जुलाई को तुलसी जयंती का संयोग है। 1 अगस्त को शनि प्रदोष है, वहीं 2 अगस्त को पूर्णिमा का पर्व उपस्थित हो रहा है, तो 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व जो है भद्रा के बाद जो है रक्षाबंधन का पर्व जो है मनेगा। इस प्रकार इस वर्ष श्रावण के महीने में जब भगवान विष्णु श्री हरि शयन करेंगे तो देवादिदेव भोलेनाथ जो है प्रजा की रक्षा करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे और पूरा देश भगवान शिव भोले की भक्ति के अंदर लग जाएगा। भगवान शिव को यदि कुछ प्रिय है तो वह है बिल्व पत्र। यदि आपने प्रत्येक सोमवार 1 बिल्व पत्र भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ा दिया तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। काशी वासी निवासी नाम काल भैरव पूजनम,
कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जलधारा विशेष प्रिय है, जलधारा शिव प्रिय। वही भगवान शिव को जो है अर्क पुष्प, आंकड़े के फूल और उसके साथ ही भगवान शिव को विजया अर्थात भांग का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव को सूखे मेवे का भोग भी अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक यदि पूरे श्रावण आप भगवान भोले की भक्ति नहीं कर सके तो पांच श्रावण जो ये उपस्थित हो रहे हैं इसमें उपवास रखकर भगवान शिव को जो है जलधारा शिव के मस्तक पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से जलधारा दे, ओम नमः शिवाय का नाद करें। और जो है भगवान शिव के लिए यदि कुछ असाध्य है, साध्य है, तो वह है महामृत्युंजय का मंत्र। यदि कोई भी किसी भी रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी रोग हो, यदि महामृत्युंजय मंत्र का जब पूरे श्रावण मास आपने कर लिया तो कभी भी आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर आपदा नहीं आएगी। मृत्युंजय महादेवो त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरारोगैः पीड़ितम कर्म बंधनैः। और भगवान शिव का 52 अक्षरों का महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत संजीवनी मंत्र कहा जाता है। यदि आदमी मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ हो और इस मंत्र का नाद उसके कान के अंदर गुंजाए तो निश्चित रूप से वह जो है पुनः जीवित हो जाएगा। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है। ओम हौं जूं सहा ओम भूर्भुवः स्वहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुल मिलाकर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो वहीं इस बार 23 वर्ष बाद सावन माह में शुभ संयोग बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।